निर्गमन अध्याय 35। निर्गमन अध्याय 35। सारे सामान समेत पवित्र स्थान और याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वर्णन। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुईसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंटी, तख्ते, बेंडे, खम्बे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, दंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खम्भों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने के और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तु के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी के बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले व सुईसों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत कात कात कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई, और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काते, और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए।
जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहिसामाक के पुत्र अहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें।